तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज़ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेस जैसे प्रोग्राम पर काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मान लीजिए अगर आप लोग एमएस वर्ड पे किसी भी फाइल पे काम कर रहे हैं, एमएस वर्ड में कोई भी चीज़ बना रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, मान लीजिए आप रिज्यूम बना रहे हैं या कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, अगर आपने उस डॉक्यूमेंट को बिना सेव किए हुए ही उसको आप अगर गलती से क्लोज कर देते हैं या गलती से बंद हो जाता है आपका सिस्टम, तो दोबारा से हम लोग कैसे रिकवर करते हैं, अनसेव्ड डॉक्यूमेंट को कैसे रिकवर किया जाता है, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। बस आपको इस वीडियो के लिए लाइक और अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा करके शेयर करिएगा, जिससे वो लोग भी इस टॉपिक के बारे में जान पाएँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फटाफट से एमएस वर्ड को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा एमएस वर्ड यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास ये कोई डॉक्यूमेंट है जिसको अभी हमने क्या किया है, सेव नहीं किया है, बस इसको हमने लिखा हुआ है। हम इस डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमने इस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया है। अभी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा होगा आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे क्लोज। क्लोज करने के लिए अल्ट F4 का यूज़ करेंगे या फिर दोस्तों यहाँ पे क्लोज वाले आइकन पे हम लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कर देंगे डोंट सेव। तो दोस्तों, हमारा प्रोग्राम हो गया क्लोज। और फिर से हम लोग प्रोग्राम को करेंगे ओपन, जिसके लिए करेंगे विंडो R और यहाँ पे लिखेंगे विनवर्ड, कर देंगे इंटर। अब यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आएंगे। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे आने के बाद अब हमको क्या चाहिए कि हमारा जो अनसेव्ड फाइल है, हमारा जो फाइल था उसको हमने बिना सेव किए क्लोज कर दिया था। अब उसी फाइल को अगर हमको दोबारा से रिकवर करना है और उसी में हमको काम करना है, तो दोस्तों कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम लोग आएंगे दोस्तों यहाँ पे फाइल मेन्यू पे। फाइल मेन्यू में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, एक कमांड दिखाई देगा इन्फो के नाम से। इस इन्फो वाले ऑप्शन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे दोस्तों हमको एक ऑप्शन दिखाई देगा मैनेज डॉक्यूमेंट के नाम से। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई देगा रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे पहले दोस्तों हमारे पास कई सारे अनसेव्ड डॉक्यूमेंट थे, उनको हमने डिलीट कर दिया। हमारे पास प्रेजेंट टाइम में अभी एक ही है, तो हम इसको क्लिक करेंगे और ओके कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इस तरह का ओपन हो रहा है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, सिंपल से इसको कर लेना है, या तो सेव एज कर लीजिए या फिर व्यू पे जाइए और कर लीजिए एडिट डॉक्यूमेंट, दोनों में से कोई एक करेंगे। अब दोस्तों आप इस पर अपने आगे का काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे अगर हमको कुछ लिखना हुआ तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करके अब यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक, ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा करके शेयर करिए। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के और वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।